दुर्ग के सुराना खेल मैदान में 2 दिवसीय महिला खो खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 10 सेक्टरों से करीब 120 महिला खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय महिला खो खो प्रतियोगिता का 2 दिवसीय आयोजन दुर्ग के सुराना कॉलेज के मैदान में किया गया। इस दौरान प्रतियोगिता में पूरे छत्तीसगढ़ राज्य से 10 सेक्टरों में करीब 120 महिला खो खो खिलाड़ियों द्वारा प्रतियोगिता कराया गया, जिसमें दुर्ग, रायपुर, बस्तर, रायगढ़, बलौदाबाजार सहित अन्य जगहों से खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर अपना जौहर दिखाया। इस संबंध में कॉलेज के पदाधिकारियों ने अपनी जानकारी इस प्रकार दी। महिला खो खो प्रतियोगिता सत्र 2023-24 का आयोजन हमारे महाविद्यालय द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 120 खिलाड़ियों ने भाग लिया है और इसमें अभी दुर्ग सेक्टर की टीमें थोड़ी सी मजबूत दिख रही है और रायपुर सेक्टर की भी टीम मजबूत है। सरगुजा से आई है, वो भी अपना हुनर दिखा रहे हैं। नांदगांव सेक्टर की टीम भी थोड़ी सी मजबूत दिख रही है। ये आयोजन में बच्चे अपने जितने भी खिलाड़ी आए हुए हैं वो अपना हुनर दिखाते हुए अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। समापन इसका, ये 2 दिवसीय टूर्नामेंट है और चूंकि 2 ग्राउंड बना हुआ है इसलिए इसका समापन आज शाम को ही किया जाना है। छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित राज्य स्तरीय इंटर सेक्टर महिला खो खो प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के 35 जिले के कॉलेजों को उनकी संख्या के आधार पर 10 सेक्टर में बांटा गया है और वो 200 सेक्टर के खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने यहाँ आए हुए हैं। प्रत्येक सेक्टर से 12 खिलाड़ी पार्टिसिपेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और इसके पहले राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के पहले सभी सेक्टरों में इंटर कॉलेज टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, जिसको अपन सेक्टर स्तरीय अंतर महाविद्यालयीन खो खो प्रतियोगिता का आयोजन हर सेक्टर में किया गया था। वहाँ से चयनित होकर 12 खिलाड़ी इंटर सेक्टर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए आए हुए हैं। तो ये शासन की बहुत ही अच्छी योजना है कि इसमें मौका मिलता है, बच्चे आते हैं और बच्चों के लिए शासन के तरफ से किट और उनके आने जाने की व्यवस्था और उनके रहने और डीए की व्यवस्था की जाती है। तो बच्चे लोग, कॉलेज के ऊपर बहुत ज़्यादा भार नहीं पड़ता, इसलिए इस प्रतियोगिता के माध्यम से ज़्यादा कॉलेज के खिलाड़ी अपना हुनर दिखाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं शासन को इस योजना के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। पूरे खिलाड़ियों को और 12 10 सेक्टर के जो खिलाड़ी हैं उनके साथ प्रत्येक सेक्टर से टीम मैनेजर और कोच भी आए हुए हैं, और सभी लोगों के यहां रुकने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था की गई है। स्तरीय राज्य स्तरीय महिला खो खो प्रतियोगिता सेक्टर स्तरीय है और इसमें पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी महाविद्यालय के खिलाड़ी हैं वो यहाँ भाग ले रहे हैं और 10 सेक्टर की टीम यहाँ पर आई हुई है। रायगढ़ से लेकर डोंगरगढ़ तक के पूरे महाविद्यालय जितने उन महाविद्यालयों के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पूरे छत्तीसगढ़ को 10 सेक्टर में बांटा गया है। ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता खेलने के बाद इनका यहाँ चयन होगा अपने अपने विश्वविद्यालयों का, जिसमें हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की टीम बनेगी, आपका रविशंकर विश्वविद्यालय, बस्तर विश्वविद्यालय, सरगुजा विश्वविद्यालय, बिलासपुर विश्वविद्यालय की टीम यहाँ पर तैयार होगी और ये फिर ईस्ट जोन इंटर यूनिवर्सिटी खेलने के लिए जाएगी। लगभग 120 खिलाड़ी यहाँ पर भाग ले रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।